नमस्कार, यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें टॉपर में तीन महिलाएं रही हैं। नंबर एक जिनकी रैंक आई है वो है श्रुति शर्मा, उत्तर प्रदेश बिंजौर से, और दो नंबर पे हैं बिहार की अंकिता अग्रवाल, और तीन नंबर पे हैं गामिनी सिंगाल। तीनों ही रैंक पे महिलाओं ने बाजी मारी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है ट्वीट पे। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रुति शर्मा द्वारा क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई, किस प्रकार स्टडी की गई, उनका इंटरव्यू, ताकि सभी को संबल मिले कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए और किस नीति को अपनाकर आप भी सक्सेस हो सकते हैं। यूपीएससी, जिसे करने का सपना हर किसी का होता है, इस बार 2021 के जो नतीजे आए हैं उसमें श्रुति शर्मा ने रैंक 1 हासिल किया है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। पहली बात तो श्रुति, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आपने रैंक 1 हासिल। थैंक यू, शुक्रिया। आपके सब्जेक्ट क्या थे और ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका जिसमें आपको सफलता मिली है? सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था, और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था जिसमें मुझे ये रैंक मिली है। बीते कुछ साल आपके पढ़ाई में काफ़ी गुजरे होंगे, काफ़ी घंटों में पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? घंटे कभी काउंट नहीं किए, और ये आई थिंक काउंट इतने ज़्यादा अहमियत भी नहीं रखते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि उन घंटों में किस तरह की आपकी पढ़ाई हो रही है। तो पढ़ाई तो काफ़ी करनी पड़ती है, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, पर साथ साथ में थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना, अपना ब्रेक्स लेना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहा। मोर देन आई थिंक नंबर ऑफ आवर्स, क्वालिटी ऑफ जो आप पढ़ रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी जैसी तैयारी में कई बार आप घर पर बैठकर नहीं कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के लोग हमेशा टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी में, तो आई थिंक अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें रखनी चाहिए 11, 12th में भी। बिजनौर से हूँ, बट मेरी मम्मी बुलंदशहर से हैं, पापा बिजनौर से हैं, बाकी फैमिली बिजनौर मुरादाबाद में ही रहती है। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है, मैं आई वॉज बॉर्न हेयर। तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब भी हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो कई लोगों के मन में सवाल होता है, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई सबसे पहले तो इसके लिए? स्ट्रैटेजी आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी जर्नी का। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मटेरियल को सिफ्ट करना, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा आजकल अवेलेबल है यूपीएससी में, चाहे डिजिटल हो चाहे मार्केट में अवेलेबल हो। तो आई थिंक मैं एक तो बेसिक बुक्स पे काफ़ी स्टिक करती थी, एनसीईआरटीज को देखती थी, और उसके अलावा जो भी मटेरियल है मैं अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करती थी, और एक किसी स्पेसिफिक सोर्स, एक टॉपिक के लिए एक सोर्स को चूज़ करती थी, और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते थे उसके खुद के नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर्स वगैरह को यूज़ करके। तो बाद में एक मेरे पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल होता था जिसको मैं रिवाइज कर सकती थी आराम से, और फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकती थी। ये कहा जाता है श्रुति कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए ना कम से कम 18 से 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो क्या आपने भी यही फॉलो किया था? आई थिंक ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सस्टेन तरीके से आप 20 घंटे आप हर रोज़ पढ़ो। कई बार ऐसा होता था कि एग्ज़ाम से बहुत पास, जब बहुत सारी आपको प्रेशर होता है और सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो वो कई बार घंटे काफ़ी एक्सटेंड हो जाते हैं, कई बार 18 घंटे भी हो जाते हैं, पर वो सस्टेन लेवल पर नहीं हो सकता। तो एनीथिंग अराउंड आई थिंक अराउंड 6 hours तो मिनिमम आई थिंक थोड़ा करना ही पड़ता है, पर कि उस समय आप फोकस्ड तरीके से पढ़ रहे हो। आपने यूपीएससी के लिए किस स्ट्रैटेजी को अपनाया था कि मतलब आपने सेकंड अटेम्प्ट में इसे क्लियर किया? आई थिंक मेरा स्ट्रैटेजी वही था जो बेसिक लोगों का होता है कि लिमिटेड सोर्सेज रखिए, नोट्स मैं खुद के बनाती थी, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक, क्योंकि मेरे अभी मैंने मार्क्स जब देखे हैं तो मेंस में अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे मेंस में, तो आई थिंक उसके लिए, उसके पीछे आंसर राइटिंग मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि मैं आंसर्स लिखती थी, और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं और हमारे ग्रुप एक सेशन मतलब करते थे आंसर राइटिंग सेशन, जिसमें हम 5 questions जैसे करें, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार लिख लेते थे, एक कलेक्शन बनाना एसी के लिए, कुछ कोर्ट्स का कलेक्शन बनाना, तो हर पेपर के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी प्रीवियस ईयर पेपर्स और ऑप्शन और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए।